तो दोस्तों आपने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के बारे में सुना होगा, आपने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में भी सुना होगा, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो कि हाल ही के दिनों में बहुत फेमस हुआ है। इस बच्चे ने 14 साल की छोटी सी उम्र में तकरीबन आज से 10 और 8 महीने पहले ही कोरोना की भविष्यवाणी कर दी थी। और आज से 10 महीने पहले दोस्तों वैसा ही समय था जब किसी ने विश्व में सोचा भी नहीं था कि कोरोना नाम की बीमारी उनका जीना हराम कर देगी। तो दोस्तों इस 14 साल के बच्चे की भविष्यवाणी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे ने आज से 10 महीने पहले ऐसी भविष्यवाणी की थी जो कि आज पूरी दुनिया फेस कर रही है। तो इस बच्चे का नाम अभिज्ञ है और हम आपको उनके 3 वीडियो की भविष्यवाणियां इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आज की तारीख में बिल्कुल सच हुई है। और जो भी संभावनाएं आज से 10 महीने पहले अभिज्ञ ने जाहिर की थी उनमें से कई सारी बात आज सच हुई है। तो 14 जून 2019 को तकरीबन आज से 10 महीने पहले अभिज्ञ ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था डेंजर टू द वर्ल्ड नॉट ओनली इंडिया। इस वीडियो में अभिज्ञ ने बताया था कि ग्रहों की विशेष स्थिति भारत को प्रभावित करेगी और ये ग्रह की स्थिति ना सिर्फ भारत के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए एक जैसी होगी। आगे अभिज्ञ ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि इससे यूके और यूएस जैसे देश भी प्रभावित होंगे और सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश नॉर्थ वेस्ट के देश होंगे। अब दोस्तों आप भौगोलिक रूप से देखेंगे तो दुनिया के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी देश कौन कौन से है? वो देश है यूरोप के देश आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, इटली, स्पेन, यूके और अमेरिका जैसे देश भी नॉर्थ वेस्ट देशों में आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यही देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है आज की तारीख में, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट इन्हीं देशों में है और सबसे ज्यादा जान भी इन्हीं देशों में गई है। आगे अभिज्ञ ने अपने वीडियो में बताया है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसकी भविष्यवाणियां सच होगी, क्योंकि ये सारी भविष्यवाणी वो शास्त्रों की सहायता से कर रहा है, इसलिए ऐसा ही होगा। और ना सिर्फ शास्त्र, इसमें तर्क शक्ति का प्रयोग भी किया है, क्योंकि शास्त्र सिर्फ सुराग देते हैं और तर्क शक्ति की सहायता से वो एक परफेक्ट भविष्यवाणी कर सकता है। आगे अभिज्ञ ने अपने इस वीडियो में यह भी बताया है कि इस समस्या से दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी और ऐसा होगा ग्रहों की स्थिति के कारण। तो दोस्तों अब आते हैं हम अगले वीडियो पे। अभिज्ञ ने अपना अगला वीडियो 17 जून को अपलोड किया था यानी तकरीबन आज से 9 महीने पहले। इस वीडियो का टाइटल भी दोस्तों बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि आज से 9 महीने पहले कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि चाइना के कारण पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी। इस वीडियो का टाइटल था चाइना इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक और यह वीडियो तकरीबन आज से 9 महीने पहले अपलोड किया गया था, जिसमें अभिज्ञ ने बताया है कि कैसे चाइना एक बड़ी गलती करेगा जिससे चाइना की 70% शहरी आबादी प्रभावित होगी जो शहर उत्तर में मौजूद होंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि चाइना ने क्या गलती करी और उसका अंजाम दुनिया कैसे भुगत रही है? तो दोस्तों चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था और चाइना ने दुनिया को जरूरी नहीं समझा यह बताना कि एक ऐसा वायरस आया है जो कि हाथ लगाने से फैलता है, और तो और इस वायरस से लोगों की जान भी जा रही है और इस वायरस का कोई भी पुख्ता इलाज भी चाइना को नहीं मिल पाया है। तो चाइना ने यह मिस्टेक करी है कि चाइना ने किसी भी देश को कोरोना वायरस के प्रति आगाह नहीं किया या पहले से तैयार होने के लिए नहीं कहा, और तो और कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी चाइना ने दुनिया से छुपाई थी और उसकी न्यूज भी बाहर नहीं आने दी थी। अब दोस्तों आते हैं दूसरी बात पर जो कि अभिज्ञ ने अपने वीडियो में कही है, चाइना की 70% शहरी आबादी इससे प्रभावित होगी जो कि उत्तर में है। तो दोस्तों यदि आप चाइना का उत्तर पूर्व का मैप देखते हैं तो यहीं पर चाइना के बड़े शहर है और आपको जो मैप में लाल क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो चाइना का धनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पर चाइना की अधिकतर आबादी रहती है, और यहीं पर वुहान शहर भी है दोस्तों जहां से कोरोना वायरस दुनिया में फैला है और उसके बाद उसने चाइना के अन्य शहरों को भी प्रभावित किया है। आगे अभिज्ञ ने अपने वीडियो में कहा है कि चाइना प्रलय का कारण बनने जा रहा है, इससे समस्या ना सिर्फ चाइना को होगी बल्कि अन्य सभी देशों को होगी, इससे हर देश लड़ने वाला है, यह संकट वर्ल्ड वॉर 3 के समान होने वाला है। इसके अलावा अभिज्ञ ने यह भी कहा है कि ज्यादा मात्रा में मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए।
आप आध्यात्मिक होकर भगवान पर विश्वास रखकर इससे बच सकते हैं। आगे अभिज्ञ ने यह कहा कि मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, पर हमें समझना होगा कि आपदा आने वाली है और हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अभिज्ञ के तीसरे और लास्ट वाले वीडियो की। तो तीसरे और आखिरी वीडियो के बारे में हम जानते हैं, जो कि आपके लिए और भी चौंकाने वाला होगा। तीसरा वीडियो अपलोड किया गया था 22 अगस्त 2019 को, यानी तकरीबन आज से 7 महीने पहले। इस वीडियो को तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और तकरीबन 90,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। इस वीडियो का टाइटल है सीवियर डेंजर टू द वर्ल्ड फ्रॉम नवंबर 2019 टू अप्रैल 2020। इस वीडियो के दोस्तों टाइटल में भी एक भविष्यवाणी है जो कि सच हुई है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के टाइटल में नवंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच का समय हमें बताया गया है, और इस टाइम को दुनिया के लिए गंभीर बताया है इस वीडियो में। नवंबर 2019 जो महीना इस वीडियो के टाइटल में दिया गया है, इसी महीने में चाइना में दुनिया का पहला कोरोना वायरस का केस आया था। मतलब कोविड-19 का, कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला नवंबर 2019 में ही आया था चाइना में। इसके बारे में न्यूज भी छपी है, तो आप न्यूज भी देख सकते हैं। 17 नवंबर को दुनिया में पहला कोरोना वायरस का मामला आया था। नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 का समय इस वीडियो में बताया गया है, और आज की कंडीशन आप देख सकते हैं। दुनिया में रोजाना कोरोना वायरस से 2 से 3 हजार लोग मारे जा रहे हैं, और इस वीडियो में अभिज्ञ ने ईरान और अफगानिस्तान का नाम भी लिया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि चाइना के तुरंत बाद यदि किसी देश में कोरोना संकट बड़ा था, तो वो ईरान में बड़ा था। ईरान में कोरोना से तकरीबन 5,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस वीडियो में अभिज्ञ ने बताया है कि भविष्य में कुछ खतरनाक होने वाला है, और वो कैसे होगा। वो हो सकता है कि किसी प्रकार की आपदा के कारण हो सकता है कि साइक्लोन के कारण हो, या हो सकता है कि बाढ़ के कारण हो, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, स्पेशली यूरोपीय देश, यूएस, ग्रीस और हाँ इंडिया भी। ये कोई बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभिज्ञ ने बताया है कि दुनिया पर कोई खतरा आएगा, वो आपदा हो सकती है या फिर वो कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच का समय हमारे लिए संकट भरा होगा। और दोस्तों अभिज्ञ की ये बात सच हुई। नवंबर 2019 में चाइना में पहला कोरोना का केस आया था, और आज अप्रैल 2020 चल रहा है, जहां दुनिया के अधिकतर देश बंद पड़े हैं, आर्थिक संकट गहरा रहा है, लोग मर रहे हैं। और इस वीडियो में अभिज्ञ ने यूरोपीय देश और यूएस का बार बार नाम लिया है। आगे अभिज्ञ ने इस वीडियो में बोला है एयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गंभीर रूप से संघर्ष करेगी। और दोस्तों ये बात भी सच हुई। आज के समय में पूरी दुनिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री बंद पड़ी है, टूरिज्म इंडस्ट्री नुकसान झेल रही है क्योंकि प्लेन उड़ाने नहीं भर पा रहे, वो बंद पड़े हैं। आगे इस वीडियो में बताया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रभावित होगी, स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस ठप पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये बात भी सच है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप है, बसें भी बंद पड़ी है, ट्रक और बसें एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पा रहे हैं, और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी रेलवे भी बुरी तरह से ठप पड़ा है। आगे अभिज्ञ ने बताया कि एक बीमारी होगी जो कि पूरी दुनिया में फैल सकती है, इससे भारत भी प्रभावित होगा, और ग्रहण के कारण जुलाई में चाइना में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इससे इफेक्ट होंगे, कई सारे लोग इन देशों में मारे जाएंगे। आगे अभिज्ञ ने बताया कि एथिस्ट लोग इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे, जो कि भगवान को नहीं मानते। तो दोस्तों ये मैंने 3 वीडियो के बारे में बताया है। इसके अलावा भी कौन साइंस चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड है, जिसमें बताया गया है कोरोना कब खत्म होगा और क्या क्या होगा, ये सारी भविष्यवाणी की गई है। इन सभी वीडियो में अभिज्ञ ने ऐसा होने के संकेत दिए थे कि ऐसी कोई आपदा आ सकती है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन वीडियो में World War III होने की बात भी की गई, या किसी बीमारी की बात की गई, या किसी आपदा की बात की गई। अभिज्ञ ने बताया था कि इनमें से कुछ भी हो सकता है जिससे लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। अभिज्ञ ने यह भी बताया कि भविष्यवाणियों में हमेशा संकेत मिलते हैं या फिर सुराग मिलते हैं, जिन सुरागों को समझकर तर्क शक्ति के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। अभिज्ञ को ग्रह की स्थिति देखकर पता चल पाया कि कोई प्रलय की स्थिति हो सकती है, तो उसने तर्क शक्ति का यूज करके ये बताया कि या तो ये वर्ल्ड वार 3 हो सकता है,
या कोई भीषण युद्ध हो सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, या फिर कोई बीमारी हो सकती है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में फैलेगी, जिसके कारण लाखों लोग बीमार पड़ेंगे, भूखमरी होगी, खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कुछ भविष्यवाणी अभिज्ञ ने की थी, जो कि सारी बातें आज की तारीख में सच हुई है। तो दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के सच होने के बाद कई लोगों ने अभिज्ञ को अप्रिशिएट किया और कई लोग अभी भी अभिज्ञ को अब्यूज करने में लगे हुए हैं, और ये दर्शाता है कि इन छोटी सोच वालों की जलन कितनी बड़ी है कि वो एक बच्चे को भी अब्यूज करने से बाज नहीं आ रहे। पर दोस्तों, भविष्यवाणी करने के लिए हमें अभिज्ञ की तारीफ करनी होगी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े देश करोड़ों रुपए खर्च करते हैं आने वाले संकट का पता लगाने के लिए, तो भी कोई देश या सारे मीडिया हाउस इन सब चीजों का पता नहीं लगा पाए कि भविष्य में 7-8 महीने बाद उनके ऊपर कोरोना नामक संकट आएगा। पर अभिज्ञ ने अपने अर्जित ज्ञान के कारण ये भविष्यवाणियां की है, और जो कि सच भी है, और लोग इससे इसलिए खुश नहीं है क्योंकि ये भारत के शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर किया गया है, और छोटी सोच के लोगों द्वारा हमेशा भारतीय शास्त्रों को, यहाँ की विद्या को, यहाँ के ज्ञान को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। ऐसा ही कुछ सालों पहले योग करने वाले लोगों की भी हंसी उड़ाई जाती थी, और आज पूरी दुनिया योग पर विश्वास करती है और योग भी करती है और स्वस्थ भी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे।